वक्त है उन दो हस्तियों के वेलकम का, जिनका हमने फ्री में खून बढ़ाया, जिनकी हमने भर पेट बेइज्जती की। इनसे हमारी दुकान चली मगर इन्होंने एक भी शब्द नहीं बोला। प्लीज वेलकम अर्चना पूरन सिंह एंड रोहित शेट्टी। और अब हमारे ग्रैंड फिनाले में फाइनलिस्ट का हौसला बढ़ाने आज हमारे साथ आए हैं आवर वेरी ओन हीरो जग्गू दादा। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर जैकी श्रॉफ। ये तो बताइए, आपने हमारा शो तो देखा ही होगा। पूछ रही है, शो देखा होगा? सबके लिए तेरे तुम लोग सनी से लेके शाहरुख तक को नहीं छोड़ा, इसीलिए आया हूँ। वो क्या है ना कि ये तो हमारे शो में चलता रहता है, लेकिन आपके बारे में कभी कुछ नहीं बोला हमने। कितनी स्वीट बात कर रही है ना, क्योंकि सामने खड़ा हूँ। नहीं नहीं, मजा कर रहा हूँ। मेरे को एक्चुअली, मैं इधर तेरे को ये समझाने को आया कि पूरा बॉलीवुड बाहर खड़ा है, शायद आ ही रहा होगा, क्योंकि जिस हिसाब से तुम लोगों ने उन लोग सबकी बजा के रख दी है, हाड़ के रख दिया यार सब लोगों की। रात को मैं बैठता हूँ, बोला तेरे को कोई कुछ नहीं बोलता है, क्या बात है कि कुछ खिलाया है क्या तुम लोगों का? क्या शो का ये थीम ही है क्या कि एक्टर वगैरह और बॉलीवुड की ले लो? तो वही रखना चाहिए, बॉलीवुड की ले लो। तो टेंशन मत ले, मैं इधर ही हूँ, मैं वहाँ बैठा हूँ। हाँ प्लीज मेरे साथ चलना, सेफ है, घर पे बीवी है और मेरा रेपुटेशन अब तक अच्छा ही है। पापा जी तुसी संभाल लेना बाकी को। सनीपा जी आ रहे हैं। यारा ओ यारा, मिलना हमारा, जाने वो दंग लाएगा। मैडम जी, ये कॉमेडी सर्कस कहाँ होता है? मैडम जी, जी कॉमेडी सर्कस तो यही होता है, लेकिन आप कौन है? आपने भी मुझे नहीं पहचाना? आप तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर पहचाने से इनकार कर रहे हैं। अब तो जूनियर आर्टिस्ट भी पहचाने से मना कर रहा है। ए, मैं इस शो की होस्ट हूँ, तुम कौन हो? बलवंत राय के कुत्ते। ओ अच्छा, तो तुम? ओए मैं नहीं, वो सब जो मुझ पे यहाँ पर पंच मारता है। वो कृष्णा, जब देखो मेरा डांस और मेरी उंगली दिखा दिखा के एक्टिंग करता रहता है। यार मेरी बेइज्जती मत करना। लेकिन उंगली तो वो अपनी दिखाता है। मैं अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए यहाँ आया हूँ और तुम उल्टा मेरी बेइज्जती करती जा रही हो। मुझे बदला लेना, बदला? एक मिनट, आप स्टेज से क्यों बदला ले रहे हैं? बदला उससे लीजिए ना जिसने आपकी इंसल्ट की है। जब सनी छोटा था उसकी वॉइस कैसी थी? चड्डा। कुछ मिट्टी की तारे ऐसी होती है जिनमें से बच्चे चड्डियां लटकाते हैं। और आने वाले समय मेरे ख्याल से उनकी वॉइस कैसी हो जाएगी, मैं ये सोच रहा हूँ। चड्डो, और कुछ मिट्टी की तारे ऐसी होती हैं जिनमें से बच्चे बता के फ्लॉग लेके आ जाते हैं। आपको मुझे यहाँ से ले जाने से कोई ताकत कोई सारा नहीं रोक सकती, और अगर किसी ने रोका वाहेगुरु जी दी सौ गार्डन उखाड़ दूंगा। गार्डन? हाँ स्क्रिप्ट में यही लिखा था। गार्डन नहीं, गर्दन लिखा था। ओके, तो गर्दन उखाड़ दूंगा। कभी गर्दन उखाड़ते हो, कभी हैंड पंप उखाड़ते हो, किसी फिल्म में कुछ क्यों नहीं उखाड़ लेते? ओ ये दोनों, और ये दोनों भी तो मेरी नकल करते हैं। इन दोनों के ढोले देखो, हैंड पंप उखाड़ते हैं क्या? ओए मेरे जजेस के बारे में ऐसा मत बोलना। हाँ ओए, इनसे तो बदला लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ मैं, यही तो असली गुनाहगार हैं। परफॉर्म तो ये लोग करते हैं और ये लोग तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ करते रहते हैं और घटिया मिमिक्री पे इतने अच्छे नंबर दे देते हैं। पापा को कह दूंगा मैं। पापा, एक मिनट। हेलो, क्या? ओ अर्चना आ रही है, बहुत गुस्से में लगता है, बदला लेने आ रही है। ओ नो, आई एम सो स्कैर्ड। अरे अर्चना, आप तो बड़ी खुश लग रही हैं। ओ शराब, मैं खुश नहीं हूँ, बहुत गुस्से में हूँ। इनफैक्ट गुस्से में है? लेकिन आप गुस्से में क्यों है? भाई जैसा देखो, मुझ पर ही पंच मारता रहता है। लेकिन आप फिर भी हंसती हैं। तो वो मेरी गुस्से वाली हंसी होती है। ये गुस्से वाली हंसी और असली हंसी में क्या फर्क है? Well, I'll tell you. See, गुस्से वाली हंसी and हंसी वाली हंसी.
वहीं का था और क्या। लेकिन आपने बताया क्यों नहीं कि आप गुस्से में हंसती हैं? ओह गॉड, टाइम ही कहाँ मिलता है। एक्चुअली क्या है ना, ये पंच मारते हैं, मैं गुस्से में हंसती हूँ, जैसे ही कंट्रोल करने लगती हूँ ये दूसरा पंच मारते हैं, मैं फिर से गुस्से में हंसने लगती हूँ। ये लोग ना आप पे पंच मार मार के आपको फेमस कर रहे हैं। पूछो मत कितना फेमस किया है भाई। इतना आदमी बोला है, इतना आदमी बोला है कि मेरे बच्चे मुझे मम्मी नहीं पापा बोलने लगे हैं। वैसे मानना पड़ेगा फेमस होने के कुछ तो घाटे होते हैं। वेल, पूरी तरह से फेमस किया होता तो भी बात थी। एक्चुअली इन लोगों ने मुझे कट पीस में फेमस किया है, मेरे डोले और हंसी ही फेमस की है सिर्फ। ये बताइए कि आप किस पे गुस्सा है? ये पूछो किस पे गुस्सा नहीं हूँ। ये जो शरद और परेश हैं, क्या कह रहे थे कि भाई ये डोलों वाली डोली में कैसे फिट होगी, झूठे कहीं के। इन्हें क्या पता कि मैं डोली में नहीं, मैं तो मोटरसाइकिल पर गए थे। क्या आपकी विदाई मोटरसाइकिल पे हुई थी? Well, actually, मेरी विदाई नहीं हुई थी, वो तो परमीत मुझे मोटरसाइकिल पर भगा कर लेकर गया था। लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि ये पंच बड़े प्यार से मारते हैं। कुछ ज्यादा ही प्यार है। ये सलोनी जितनी छोटी है उतनी ही बड़ी है। क्या कह रही थी कि रात को मैं अर्चना जी के घर गई और चीखें निकल गई मेरी। एक्चुअली इसकी चीख नहीं, चीख तो मेरी निकली थी। लेकिन आपकी चीख क्यों निकली थी? क्योंकि मेरे सामने शीशा था और मैंने मेकअप नहीं किया था। अर्चना, मेकअप से मुझे याद आ रहा है कि आप काफी टाइम से यहाँ है और आपका मेकअप ना पिघलना शुरू हो गया है। ऐसा करिए कि आप चले जाइए, पूरी तरह से निकल गया तो फिर इनकी चीख निकलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, आप जाइए, मैं आपके पीछे पीछे आ रही हूँ। ओके, बाय बाय। तो तैयार हो जाइए क्योंकि हम शुरू करने जा रहे हैं कॉमेडी सर्कस 3 का तड़का ग्रैंड फिनाले का राउंड 1। आपको तो याद ही होगा कि इसी स्टेज पर टार्ज़न को अपनी जेन मिली थी, उसके सपनों की राजकुमारी। अब टार्ज़न की शादी हो गई है और उसका ये सपना उसे सताने लगा है। देखिए टार्ज़न रिटर्न्स में टाजू की स्टोरी। गिव इट अप फॉर शरद, भारती एंड परेश। प्रेजेंटिंग आवर फर्स्ट फाइनलिस्ट, परेश, भारती एंड शरद। ये फिल्म सत्य घटनाओं पे आधारित है। अरे लेकिन मुझसे तो कहा गया था कि ये इसकी स्टोरी हमने किसी किताब से चुराई है। अरे यार, वो 3 इडियट्स थी, हम तो 2.5 हैं। खबरदार जो मुझे आधा बोला तो। ए, तेरे को तो गिन ही नहीं रहे, वो 1 और 1.5 में। तो इस फिल्म के 2 पात्रों के बीच किसी भी तरह का कैसा भी संबंध हो सकता है? कौन 2? तेरे और मोटी के बीच में। ज्यादा पर्सनल मत हो। मतलब तुम दोनों के बीच में कुछ है? क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? ए, चीनी, तू क्या नमक की बात कर रही है? तू कहने के बड़ा। तो ये कहानी है एक नंगे की। इसका मतलब है मेरी, यानी कि टार्ज़न की। देख लो देख लो, टार्ज़न वाली आवाज में भी कुत्तों वाला फील आ रहा है। हाँ ठीक है ठीक है, आगे बोल। हाँ, इस कहानी के पहले भाग में देखा कि किस तरह टार्ज़न की शादी हुई, और अब देखिए टार्ज़न रिटर्न्स। शादी के बाद इंसान कैसे फंस जाता है, या तो मैं जानता हूं या फिर परमीत। क्यों अर्चना? इससे अच्छा होता मैं लड़की होता। हे भगवान, अगले जन्म मोहे बिटिया ही कीजो। पतली कमर चिकना बदन तिरछी नजर है, मस्ती भरी मेरी वाली उम्र है। जिंग्या शो, जिंग्या बा 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 बा, जिंग्या शो। मारा क्यों? अचानक तुम पे प्यार आ गया था। मुझसे इतना प्यार मत करो यार। इतना प्यार तो मैं अपने पप्पा से भी नहीं करती। मेरे पप्पा आने वाले हैं। आने वाले? वो आया था मुझे घर जमाई बनाने और बन गया घर ससुर। मैं अभी अपने पप्पा को बुलाती हूँ। पापा 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 पापा। निश्चय में तो
हम तुम्हारे बाप होते हैं। हाँ। ये डायलॉग मैं जब भी बोलता हूँ मेरे कबीले के सारे बच्चे मुझे घेर लेते हैं और कहते हैं पापा आ गए पापा आ गए। पापा धीरे पूरे गतिरोध गए। तेरी बेटी ने शादी के बाद मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। अरे तू तो लकी है के शादी के बाद की। कईयों की तो ने शादी से पहले ही कर दी है। टेढ़े हो गए। टेढ़े हैं पर मेरे हैं। मारो टेढ़ो फैमिली मारो मारो टेढ़ो फैमिली। क्या हुआ कुछ पियोगे? मैं बाद में पीऊंगा। लेकिन आप लोग 10 फरवरी को अपने 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पिलाना मत भूलिए। 2 बूंद जिंदगी की। आई मैं सबको पिला रहा है। अपनी स्मूटी को पिलाई थी क्या 2 बूंद जिंदगी की? अरे ले गया था इसे पिलाने, 2 बूंद छोड़ के बाकी सारा पी गई। वो तो दिख ही रहा है बुड्ढे। hey! खबरदार जो मुझे बुड्ढा कहा। अरे 2-4 बाल सफेद हो गए हैं तो मैं कैची से काट लूंगा। एक एक सफेद बाल मत काटो, वैस मोल 33 केश काला। काटो घोलो लगा लो हर सफेद बाल काला बना लो। क्यों अर्चना? ए बकवास बंद करो यार, तेरी बेटी की वजह से मेरा घर से निकलना मुश्किल हो गया है। मैं तो तेरी बेटी से शादी नहीं करने वाला था। क्यों क्यों क्या क्या कमी थी बताना, क्या कमी थी तुझमें? जुए। कैसा बाप लापरवाह। कंगी सारी जुए नहीं निकालती। कंगी छोड़ो, अपनाओ रोहित शेट्टी शैम्पू। जुओं से छुटकारा, यकीन नहीं तो देख लो नजारा। तारजू। खबरदार जो मेरे रोहित के बारे में कुछ कहा तो। मुझे तो पहले ही पता था इसका रोहित के साथ कोई चक्कर है। क्या कहता है तू बेटी? तूने मुझे अभी तक नहीं बताया कि तूने अर्चना को कब छोड़ा। आप लोगों को पता है शादी के बाद जब मैं सिंह में गुफा में लेके गया मेरे सामने वाला हाथी बोला हा? जब ऐसी सही शादी करनी थी तो मेरी बेटी क्या बुरी थी। मुझे इस मोटी से तलाक चाहिए। नहीं बेटा, ये क्या बोल रहे हैं बेटा तू? हम गरीब लोग हैं, इतना सारा तलाक कहाँ से लाएंगे? मैं तो जानता था कि तुम गरीब हो। इतना हैंडसम टार्जन इस मोटी के चक्कर में पड़ गया। ए, तू चाहे कितना भी हैंडसम क्यों ना हो, मेरी बेटी जितना गोरा नहीं है तू। हो जाऊंगा क्योंकि मैं ये क्रीम लगाता हूँ। मर्द हो कि लड़कियों वाली क्रीम तुम्हें चाहिए? ये फेयर एंड हैंडसम गोरा बनाया सिर्फ 7 दिनों में। हाय हैंडसम हाय हैंडसम हाय हैंडसम। चुप। अब मैं और ये डायलॉग्स नहीं सुन सकता। लो पहले डायलॉग बोल नहीं सकता था, अब डायलॉग सुन भी नहीं सकता ये। अब इस घर में या तो मैं रहूंगा या ये। पापा कोई बात नहीं बेटा, तो अब तू कहाँ रहेगा बच्चे? बे मोटी, तू क्या लोगों को हाथ चाट चाट के मारती है? अगर टांग से मारेगी तो क्या टांग चाटेगी? तू क्या हंस रहा है बे? तू उसका बाप है? तो? उसका बाप कम बेटा ज्यादा लगता है। ए, खबरदार! It's my pleasure. अब मोटी, तू उसे क्या बुलाती है? पापा! ए, चुप! पापा! बे तो पूरी तरह पा भी नहीं है। पापा आओ के राजपाल यादव। फ्रेश जुबान पे लगाऊं लगाता है, हाथों पे नहीं। फ्रेश। बाद बाद बाद। अर्चना आप ही शुरुआत करेंगे। इट वॉज वेरी फनी शरद, यू आर वेरी एंटरटेनिंग, वेरी गुड परफॉर्मेंस। और आप, मुझे लगता है मेरे पर जोक्स ही नहीं, अभी तुम पर भी मेरे से ज़्यादा जोक्स पढ़ने लगे हैं। भारती यू आर वेरी गुड, योर टाइमिंग इज एक्सलेंट, एंड परेश यू आर ऑल्सो वेरी वेरी फाइन एक्टर, बहुत अच्छा। रोहित, मुझे लगा कि थोड़ा नयापन था जो बीच बीच में एड्स आ रहे थे जो आप लोग कर रहे थे, वो उसी टाइमिंग में करना इट्स नॉट ईजी। मुझे पसंद आया आपका एक्ट, आई लाइक इट। थैंक यू।
जग्गू दादा आपको कैसा लगा इनका एक्ट? मैं घर से निकला था, मेरा बैटरी डाउन था, लगता है इधर बैठे बैठे चार्ज हो जाएगा। तो सॉलिड है, एकदम सॉलिड है बड़ू। तुम लोग ना बड़ू, मेरे को लगता है कि पिक्चर के अंदर जाना चाहिए, ऐसे पकाओ पिक्चरें बनती है। तुम लोग जैसे जाएंगे ना तो रियली बहुत ऊंचा गेम होगा, मेरे को तो ऐसा लगता है बड़ू। तो अर्चना जल्दी से नंबर दे दीजिए, कितने मार्क्स देंगी आप इन्हें? तो आई थिंक इट्स अ 9। 9 पॉइंट्स। रोहित, आई विल गिव यू अ 9। 9 पॉइंट्स। तो आपका टोटल होता है 18 पॉइंट्स। वेल डन गाइस, जोरदार तालियां शरद भारती और परेश के लिए। कितना प्यार है आपस में इनका, कितना बढ़िया टाइमिंग है, ये घंटों की मेहनत का कमाल होगा, ऐसा आपको लगता होगा ना इन्हें देखकर। मगर आज हम सुनेंगे सबके मन की असली बात। प्लीज गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सुदेश, कृष्णा एंड मेलिसा। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आवर सेकंड फाइनलिस्ट, कृष्णा, सुदेश एंड मेलिसा। सूट पहन के स्टाइल मार रहा इधर। अरे ये साले, कब तक मैं नाचता रहूंगा और तू यहां नंबर बटोरता रहेगा। शुक्र कर, शुक्र कि उन्होंने कभी डांस कंपटीशन नहीं देखा। जिस दिन देख लिया ना, तेरे पहले एपिसोड के दिन नंबर काट लेंगे। बता इस कमीने को कि किसकी वजह से नंबर मिलते हैं यहां पे? वजह से और किसके। क्या बकवास कर रहे तुम? ओए, मेरे सामने इसकी कोई बेइज्जती नहीं कर सकता। अब कर ले जितनी करनी है। लेकिन एक बात कहूं सुजय जी, चाहे जो भी है, ये लड़की के आने से हमें फायदा बहुत हुआ है। बिल्कुल यार, मैं सोचता हूँ कभी कभी अगर इसकी जगह कोई टैलेंटेड लड़की ले आते तो उसने तो पैसे मांगने थे। नहीं, पैसे हम दे भी देते, 200-300 में क्या फर्क पड़ता है। अगर वो डायलॉग मांगती फिर थोड़ी देते। अरे तुम लोग मुझे डायलॉग कहाँ देते? ए, ये डायलॉग इसको किसने दिया? सुदेश जी, ये हमको बाहर निकलवा के रहेगी। अरे यार, इसकी क्या औकात हमको बाहर निकाले। हट, बाहर तो तू निकालेगा साले, जो रेसल पे नहीं आता था। मैं अर्चना जी, मुझे याद है कि रेसल पे मेरा हाल क्या होता था। यार कहाँ है तू? मैं बीमार हूँ। दवाई ली? नहीं, दवाई मुझे ले रही है। नहीं, मेरा मतलब है मैं शूटिंग कर रहा हूँ, मैंने एक टेक दिया है, वो मुझसे दूसरा टेक मांग रहे हैं। वो जोड़ी में करते हैं। अरे पागल है क्या, सामने वाली पार्टी का इतना बजट नहीं है। हे हे, हट। हम लोग जो कर रहे हैं ना, जजिस के मन में क्या चल रहा होगा सोचो जरा। Welcome to Kohinoor Food Presents Comedy Circus Scene का तड़का। तो रोहित, आप इस परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहेंगे? यार जो तुम लोगों ने किया ना, अब मैं क्या बताऊं? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आया। अर्चना ने पता नहीं क्यों हंसती रहती है। कृष्णा यार, तुम इतने टैलेंटेड हो, या मेरी फिल्म में काम करोगे क्या? ये मेरे मुंह से क्या निकल गया? मलिसा, तुम तो, तुम्हारे अंदर मुझे एक ही चीज लगी, वो है तुम्हारा पी फेस। फेस तुम तीनों की तिकड़ी इतनी अच्छी है कि मेरे पास वर्ड नहीं है। जैसे कि अर्चना ने कहा था, 3 सालों से एक ही वर्ड कहती आ रही है, माइंड ब्लोइंग। और सुदेश, सुदेश तुम तो यार, मैं तुम्हें एक गाड़ी है वो मैं देने आ रहा हूँ यार। तेरी तो साइकिल की औकात भी नहीं है बे। साले। वो तो मुझे मेलिसा से गले लगने का बहाना चाहिए। मैं अभी आ रहा हूँ।
तो अर्चना आप क्या कहेंगी? माइंड की दही कर दी। कृष्णा और सुदेश, जब तुम मुझ पे पंचेस मारते हो ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहां जाके तुम्हें जूते मारूं। आई वॉन्ट टू टेक यू होम। मेलिसा, जब तुम स्टेज पर आई ना, तो तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगा कि इसे किसी बार में देखा हुआ है। कि बार बार तुम इस स्टेज पर आओ। देखो, मैं तो तुम्हें देना चाहती हूं लात, लेकिन दूंगी साथ। यू गाइज आर माई फेवरेट जोड़ी। कृष्णा, एक बात बता। हाँ, ये जो सुरेंद्र है, हाँ, क्या इसका भी मन है? मन है? पता नहीं यार, विदाउट माइंड वालों का मन होता है क्या? लेकिन ये यार सारा दिन यहाँ पे बजाता रहता है, इसके मन में भी कुछ ना कुछ तो बजता ही होगा। सालो, जितने पंच मुझ पे मारने मार लो, एक दिन मैं तुम्हारी बजाऊंगा और तुम तबला बजाओगे। और अब एलिमिनेशंस। कृष्णा सुदेश, प्लीज स्टेज पे आ जाइए। वेलकम टू द डेंजर जोन। बड़े दुख के साथ हमें यह कहना पड़ रहा है कि ये जोड़ी जो एलिमिनेट हो रही है वो है राजीव और स्मिता। सुदेश जी, कृष्णा, आप कुछ कहना चाहेंगे? आज ये जोड़ी जा रही है, हमें बहुत दुख है। इनको तो पहले ही चले जाना चाहिए था। और हम भले ऊपर से कैसे ही लग रहे हो, लेकिन हम नीचे से बहुत दुखी हैं। स्मिता, we will miss you, स्मिता। और अब रिजल्ट्स। इस साल के विनर सुदेश भोसले जी बताएंगे। सुदेश जी, आप ठीक तो है? क्या हुआ? मेरी ना ब्लड प्रेशर की गोली घूम गई। सुदेश भोसले जी ने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है और विनर्स है टाइम टेंशन कृष्णा और सुदेश। सुदेश लेकिन एक ट्विस्ट है। इस साल इन दोनों जोड़ियों में से जिसने अच्छा परफॉर्म किया उसे मिलेगी एक ट्रॉफी, और वो ट्रॉफी जाती है सुदेश जी को। मैं इतनी बड़ी ट्रॉफी के काबिल तो नहीं हूँ। ठीक है, तो मैं किसी और को दे देती हूँ। यार, तू मुझे आग भी नहीं समझती, इसीलिए तेरे को डायलॉग नहीं देती। अगर कृष्णा मेरे साथ नहीं होता ना, तो ये भूखा मर जाता। और मैं चाहता हूँ चाहे इसने 5% मेरा साथ दिया, ये ट्रॉफी आप इसको दे दीजिए। कंग्रेचुलेशंस। मैं इसके हाथों से लेना चाहता हूँ। बात सुनो, ये प्रॉब्लम हो गई थोड़ा। क्या मेरा मन बोल रहा है कि गाड़ी दे दूं, लेकिन मैं बोल रहा हूं इनको लगेगा कि मलिसा के गले मिलने आ रहा हूं।
तो अभी गाड़ी दू या नहीं दू? सर आइए प्लीज सर। डांस करने वाली है या नहीं? नहीं नहीं मैं डांस तो नहीं करूंगी, साड़ी पहनी, अगर नहीं पहनी होती नहीं मतलब कुछ और पहना होता। तो डेफिनेटली डांस करती। आई थिंक यू गाइज आर एब्सोल्युटली अमेजिंग, क्योंकि जो जो आप तीन करते हैं वो और कोई नहीं कर पाता। द यूनिकनेस ऑफ योर ट्रायो इज दैट यू आर कंप्लीटली डिफरेंट एंड आप लोग वो कैरी ऑफ कर लेते हैं जो बाकी और कोई नहीं कर पाता। जग्गू दादा आपको कैसा लगा इनका एक्ट? बहुत ऊंचा डार्लिंग किशु, मतलब क्या बोलो यार, ये सामने इन लोग हैं, मैं क्या बोलूं ब्रो, बहुत मजा आया। तो रोहित आपके मन में एक बात है या दो बातें हैं? थैंक यू अर्चना। ब्रिलियंट पार्ट वॉज वेर यू डिड द वो आमने सामने, वो जो मन क्या कहता है और असलियत क्या है, for that particular part you are brilliant and you deserve 10 upon 10 but for the whole act I have to give you a 9. 9 boy thoda bahut neend den karke bharat aur pakistan mein samjhota hone ja raha hai, dekhiye wo kya mang rahe hain aur hum kya le rahe hain, ye historic pal ek chote se twist ke sath. Please welcome Rajiv, Smita and Saloni. A big round of applause for our third finalist. Ek dusre se karte hai pyar hum, ek dusre ke liye bekarar hum. Madam ji bekar nahi, bekarar hota hai. Mannu, jo bekar hota hai, wahi to bekarar hota hai. Kaise ho Rohit? Kaisi ho beti Arjun? अर्चन नहीं अर्चना मैडम जी। मन्नू जब यह मैं अच्छे नंबर देगी बाकियों को अर्चन ही होगी ना। मन्नू मेरे हिंदी में टांग मत करो। टांग नहीं उंगली होती है। लेकिन जितनी तुम करते हो उसे टांग ही कहते हैं। तो परहेज जी, रिश्ते सुधारने के लिए सबसे पहले हम आपके खाओ भरेंगे। लेकिन मैडम जी ये सरहदों जैसे छोटे मोटे बातों पे हम बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ बड़े बड़े घाव भरेंगे। ऐसा कौन सा घाव? वही सनी ने जो हमारा हैंड पंप उखाड़ा था उसे लगवाओ। ओ मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रास्ते पे हाँ सड़क पे एक मोड़ आया मैं वहीं ऑटो छोड़ आया। सनी एक ऑटोग्राफ दे दो यार। ये क्या हो रहा है मैडम जी? ऑटो वाला पैसे मांग रहा है, पैसे वाला ऑटोग्राफ मांग रहा है, पापा पैग मांग रहे हैं, बॉबी फिल्में मांग रहा है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। एक कागज पे मोहर नहीं लगेगी तो तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा। नहीं, हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। सो गए मैडम जी। अभी तो मेरा यारा और यारा का डांस बाकी है। नहीं, तुम अपने पुराने फिल्मों के डायलॉग क्यों बोल रहे हो? नहीं कोई आई नहीं है मैडम जी, अब क्या मैं पाके डायलॉग बोल दूं? आजकल तो मैं इमरान हाशमी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। वो क्यों? पेमेंट मिले ना मिले पपियां तो मिलेंगी। लेकिन भाई डांस मत करना। मैडम जी ये कौन है? ओए तूने मुझे नहीं पहचाना, मैं हूँ परहेज मुशर्रफ। चलो चलो जाके हमारा हैंड पंप लगाओ जो खड़ा था। ओए कातिया, तू क्या चाहता है मैं तेरे घर में प्लम्बर बन के रहूं? तू कहे तो पंप लगाऊं, तू कहे तो पंप उखाड़ूं। मैं सिर्फ शादी में लड़ियां लगाता हूँ। ये मजदूर का हाथ है। तो थोड़ा अपना हाथ कहाँ है? मेरा मैडम जी ये 1 किलो का हाथ है। लेकिन तुम्हारा तो 2.5 किलो का था। कब तक झूठ बोलूंगा मैडम जी, ये 1 किलो का हाथ है, जब किसी पे पड़ता है ना तो वो उठता नहीं है, उठ के 2 मारता है। ओए, हाथ हमारे पास भी है और जब पड़ता है ना तो आदमी 5 साल के लिए उठ जाता है कुर्सी से।
मैडम जी नहीं लगाऊंगा नहीं लगाऊंगा नहीं लगाऊंगा। लेकिन आप समझती क्यों नहीं है मैडम जी, मैं सिर्फ पंप की वजह से मशहूर हूँ और आज तक जिंदगी में मैंने पंप के अलावा उखाड़ा ही क्या है। मत लगाओ, तुम्हारा ही लॉस है। वैसे भी ये पैसे थे नहीं वाले थे। कितने पैसे? 500। तूने मुझे प्लम्बर समझ रखा है, तुम्हें 500 रुपए में पंप लगाऊंगा? तो लगवा लेंगे। कहाँ आना है मैडम जी? सुबह आ जाऊंगा बॉबी के साथ। यारा ओ यारा मिलना हमारा। अब हमारे भिखा भराओ, अपने अदमान सामी को लेकर जाओ। खारखू का माल पासपोर्ट पे मोहर लगा के बेच दिया। ओए मैडम जी, जब वो यहाँ आया था तो अदनान सामी था, अब तो अदनान सेमी रह गया, सिर्फ 50 किलो का। भेजा था तो 200 किलो का था। था वो 50 किलो का ही। ऑपरेशन के बाद 150 किलो तो कचरा निकला था। आप हमारी प्रीति लौटाओ, जो आपका शाहरुख ले गया था वीरजारा में, वो भी इज्जत समेत। प्रीति को तो हम वापस कर देंगे, लेकिन इज्जत की गारंटी हमें नहीं। अरे बीड़ी जलाइले जिगर से पिया, जिगर ना बड़ी आग है, आग है, आग है, आग है, आग है, आग है। मैडम जी ये कौन है? ये प्रीति है। प्रीति? ये प्रीति? हमारी प्रीति तो कितनी खूबसूरत थी। हाँ, खूबसूरत तो मैं भी बला की हूँ, बस देखने वाले की नजर गंदी होनी चाहिए। अच्छी लाइन है, बहुत अच्छी लाइन है। फिटा मुआ तेरा, शर्म करो। हमारी प्रीति कितनी बूढ़ी और एक्सपीरियंस लेडी थी। हाय हाय, मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस किसको होना है, मैं तो ओवर टाइम करती हूँ। मुझे सब कुछ करना आता, बता क्या करूँ। चलते ऑटो में से उतर जाती हूँ। क्योंकि मैंने पैसे नहीं देने होते। नाचते शमीपुर की पप्पी लेके दिखा दूं, इस चढ़ती जवानी में देवानंद की माँ बन जाऊं। और क्या करूं बता। ये तो मैं बहुत बेवकूफ रखती हैं। तू बेवकूफ, तेरी माँ बेवकूफ। ऐसे बेवकूफ फौजी होते हैं, जब जंग लगती है ना तो तोप में खाना भर के अपने घर की तरफ मुंह करके चला देते हैं। इतनी बेइज्जती करके तुमने मुझे मेरी बीवी की याद दिला दी। एक काम करो, जाके जहाज में लेट जाओ। हैं? बैठ जाओ, बैठ जाओ। देख लो, इनका राष्ट्रपति भी ना शकील जैसे गंदे पंची मारता है। क्या गई? जो कुछ भी कह कर गई है उसका सवाल आपके पास? ओ सवाल ही मैडम जी, जवाब। हाँ, जवाब है आपका। देखिए, हम सिर्फ पंचेस मार के अपनी आवाम को खुश नहीं करते, रोज जहाज से उनके ऊपर लाखों रुपए लुटाते हैं, पूरा मुल्क खुश हो जाता है। कोई उस जहाज में से तुम्हें नीचे गिरा दे, पूरी दुनिया खुश हो जाएगी। मैडम जी, मैंने कहा था ऐसी छोटी मोटी बातें नहीं करेंगे, मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? बड़ा मसला तो अभी बाकी है। अपना वो छक्का वापस लाओ जो जावेद मियादात ने अपनी लास्ट बॉल पर मारा था। मन्नू, अरे साजे रही गोरी तेरी अम्मा सुनहरी गोटे, साजे रही गोरी तेरी अम्मा सुनहरी गोटे, सुनहरी गोटे में, सुनहरी गोटे में, सुनहरी गोटे में, सुनहरी गोटे में। इसकी फोटो खींच लो, मुझे लगता है हमसे पहले ये भी बताइए मांगता रहा है। Good one. तुम कौन? लो जी, वर्दी पहन के भाई को भूल गया। मैं भाई हूँ तुम्हारे देश का गर्व, मियादाद का छक्का। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मुझे लेके चलो वहां पे, मैं वहां पे जाके तुम्हारे मर्द ठंडे करूंगा पंखे चला के। कैसे चलाओगी? मुझे मारे तो बिजली नहीं आती है। तो यहाँ क्यों खड़े हो? इसके साथ जाके बधाइयां मांगना शुरू कर दो। बधाई कठे मांगेंगे अमेरिका से जाके, एक बार ओबामा के घर में बेटा होने दो। इतनी बधाई मांग के लाऊंगी, इतनी बधाई मांग के लाऊंगी कि पाकिस्तान में 10 दिन राशन नहीं खत्म होगा। सैंपल दिखाऊं? दिखाओ। करेक्टर छोड़ दो। अरे सर्कस में कॉमेडी के दुश्मन हाय हाय,
कॉमेडी चोर सब कर जाए हाय हाय तो देश और कृष्णा हाँ जी करना चोर गाना हाँ जी सनी और जीतू की बात लगाना और मैं लीसा का तो काम है आके कमर हिलाना हाय हाय कॉमेडी छोड़ के सब कर जाए हाय हाय विक्रांत तपस्या हाँ जी टाइमिंग की समस्या हाँ जी कभी एक्ट जो फूटे और पंच ना फूटे राजीव को औरत बन के पड़ता है स्टेज पे आना सर्कस में कॉमेडी के दुश्मन हाय हाय कॉमेडी छोड़ के सब कर जाए हाय हाय ये जजेस प्यारे हाँ जी हैं अपने सहारे हाँ जी इन्हें चक ना मिलते फिर भी हैं हंसते भगवान से ये मांगे इन दोनों की उम्र बढ़ाना आपको कैसा लगा? पब्लिक भूल गई होगी फिनाले के लिए आई एम कमिंग देयर कहेंगी इनके परफॉर्मेंस के बारे में वेल हैट्स ऑफ द क्रिएटिव टीम हैज क्रिएटेड समथिंग व्हिच इज सो अमेजिंग इस एक्ट में मुझे लगा डिफरेंट भी है इसमें एक पेट्रियोटिक फ्लेवर एक टॉपिकल फ्लेवर है हम लोग क्रॉस बॉर्डर की बातें कर रहे हैं एंड देयर वाज एंटरटेनमेंट देयर वर वेरी इंटेलिजेंट पंचेस सलोनी आपका जो अंदाज था बोलने का वेरी नाइस स्मिता दिस टाइम यू वर आउटस्टैंडिंग थैंक यू सर बहुत अच्छा लेकिन राजीव हैट्स ऑफ टू यू दिस एक्ट इज योर्स चकू दादा आपको कैसा लगा इनका एक्ट टू मच छोटी क्या बोलूं सलोनी इतनी छोटी और कितना ऊंचा है तू जितना छोटा उतना ऊंचा है बड़ू और बच्चा यू हैव स्टोलन माय हार्ट लव यू टू मच सलोनी चलिए तो जजेस मार्क्स दे दीजिए रोहित कितने नंबर देंगे आप ऑब्वियसली सबको पता है मैं क्या देने वाला हूं आई गिव यू 10 पॉइंट्स अर्चना कितने नंबर देंगी आप परफेक्ट 10 10 पॉइंट्स एक सी ग्रेड फिल्म डायरेक्टर तलाश कर रहे हैं अपनी फिल्म के लिए हीरोइन की ऑडिशन देने आई है एक सी ग्रेड हीरोइन और एक असली हीरोइन देखते हैं डायरेक्टर किसको कास्ट करते हैं फिनाले की हमारी अगली तिकड़ी है राजीव विक्रांत एंड रश्मि अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आवर फोर्थ फाइनलिस्ट राजीव निगम रश्मि एंड विक्रांत हाय आई एम अ डायरेक्टर मैंने अपनी फिल्म के लिए बहुत ही भारी भरकम कास्टिंग की है अर्चना जी को साइन कर चुका हूँ वो क्या है ना सुनील शेट्टी के पास डेट्स थी नहीं है कि नहीं तो बस सोचा इन्हीं को ले लो बस इनके ऑपोजिट एक बहुत ही टनाटन हीरोइन की तलाश में हूँ चढ़ती जवानी तेरी चाल मत तानी तुमने कदर ना मेरी जानी हाय रब्बा हाय रब्बा अरे तू क्यों हाय रब्बा कर रही है तुझे देख के तो मेरा हाय रब्बा निकल रहा है रब्बा छोड़ जा अब्बा को भेज अगर अब्बा भेजने लायक होते तो क्या मैं ऐसा होता बोलो चाहिए क्या आईला फर्स्ट टाइम कोई लड़का मेरे से पूछ रहा चाहिए क्या तू बोल ना तेरे को क्या चाहिए मुझे मुझे हीरोइन चाहिए तो मैं हूं ना ये बता तू है कौन कमीनी क्या कमीनी फिल्म की हीरोइन है मैं तो आप हीरोइन है और क्या मैं तेरे को घरेलू औरत लग रही क्या नहीं नहीं ये बताइए कि आपने और कौन कौन सी फिल्में की है शोले वो मैं 25 बार देख चुका हूं उसमें कहां थी अरे शोले नहीं शोले द स्लीपिंग ब्यूटी देखो मैं बहुत ही साफ सुथरी फिल्में बनाता हूँ तो फिर तेरी शूटिंग में मैं नहा धोकर के आएगी लाइट बॉय से अखा अरे यार अरे इसको एक्ट्रेस किसने बनाया किस किस का नाम लेगी कुछ इज्जत है कि नहीं रोहित की कौन
कौन? रोहित शेट्टी की? अरे शेट्टी की बात नहीं कर रहे, रोहित खान। पहले डायरेक्ट लाइन में था ना, किधर से लोचा किया, डायरेक्टर बना, मेरे को चांस दिया। अच्छा। और ये रोहित का क्या, मैं अचार डालेगी क्या? ये तो सिर्फ पिक्चर बनाता है, हीरोइन थोड़ी बनाता है ये। ए भगवान, इसको कहां से भेज दिया? जिसको बुलाया तो वो अभी तक आए क्यों नहीं? सर 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 ओह हाय हाय सॉरी सर, आई गॉट लेट। हाय लक, कितनी हलकट आती बोल रही लेट, तू लेट के दिखा। सर ये कौन है? ए तू इधर आ, इससे क्या पूछती, मेरे से पूछना तू कौन है? बॉडी में देख पाँव किलो गोश्त नहीं, हीरोइन बनने चली है। देखो मैं डायरेक्टर हूँ, मैं कुछ बोलूँ? हैं? हाँ हाँ, तू चाय बोल। देखो हाँ, मैं डायरेक्टर हूँ, डायरेक्टर, मैं डिसाइड करूंगा कि तुम दोनों में से किसे लेना है। तू डिसाइड करना, तू अभी कर। ओके, तुम ये बताओ कि तुमने क्या क्या किया है। सर मैंने एक्टिंग का कोर्स किया है। मैंने किधर किधर से कौन कौन सा कोर्स किए लिए तेरे को नहीं मालूम? सर मैंने रैंप पे वॉक किया है। मैं भी मॉर्निंग वॉक करती है, पैकअप के बाद में नाइट में डेली। मैंने कोल्ड क्रीम का ऐड किया है। मैंने शेविंग क्रीम का ऐड किया है। वो तो मर्दों वाला आइटम होता है। हाँ तो फिर इसको भी तो देखना, ये भी मर्दों के लिए आइटम है ना। मैं इंडस्ट्री में सबको इज्जत देती हूँ। आइला मैं भी कितने लोगों की इज्जत दी तब इधर तक पहुँची है, इसे नहीं पहुँची है मैं। तुम मुझे बताओ कि तुम हॉट सीन कर सकती हो? हॉट सीन? हाँ अगर स्क्रिप्ट की डिमांड है तो। वाह, और तुम? सर स्क्रिप्ट को बाजू में रखो, डायरेक्टर डिमांड करेगा तो ही करेगी। वैसे सर बोले तो हॉट सीन क्या होते हैं? हॉट सीन समझाता हूँ, हॉट सीन वो होता है जब आइला समझ गई, हीरो लोगों का मूड बनाने का ना। मैं नवी नहीं लाइन में, जूनियर में, मेरे को सब मालूम, हीरो क्या, प्रोडक्शन मैनेजर, कैमरामैन, म्यूजिशियन, सबका मूड बनाती है। What's your figure? 36, 24, 36. Wow. और आपका? 9820511367। मैं बॉडी की फिगर की बात कर रहा हूँ। ये फिल्म लाइन है, इधर तो बॉडी का फिगर डेली बदलता है, तेरे को परमानेंट नंबर दी मैं। तुम कुछ करके दिखाओ। बस कर, घरेलू औरत सुई में धागा डाल रही है। जा घर पे जाके चावल बिन जा करके। इसे क्लासिकल डांस बोलते हैं। क्लासिकल, मेरे को क्लासिकल आज परसों सब आता है, चल बजा रे। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बिहार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बिहार बनके। इट्स नॉट बिहार, इट इज बहार। ए एड़ी, मेरी जिंदगी में जो आया था वो बिहार से ही आया था, समझी ना। So just look at her clothes. It's so tacky and she's so cheap and she's totally mad. Yeah, yeah, I know everything. Fly over, horn, okay, please. क्या लगता है तेरे को, तेरे को अंग्रेजी आती है? A B C D F G H I J K C A T K B O G dog और एटी रेड, तेरे को क्या लगता है तू अंग्रेजी बोलती, बोल अंग्रेजी अभी। Sir, I'm leaving, sir. Sir, I'm giving. क्या बात करती है, अंग्रेजी में बात करती है। फिल्म करने को नहीं तो आई, कहीं को भाजी मारने आई थी बीच में, बोलना अभी। ये फिल्म मैं भी नहीं बनाऊंगा यार। अबे मत बना, अगर मैं पिक्चर नहीं करेगी तो मर नहीं जाएगी, मेरा साइड में दूसरा धंधा भी चलता है, जागो ग्राहक जागो। और तू एले, तू फिल्म क्यों नहीं बनाएगा एले? अरे अरे, क्योंकि मैं तो असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ, डायरेक्टर तो वो है रोहित चट्टी। पहले कहे को नहीं बोला? बोलो ना अभी, ऑडिक्शन किधर लोगे? ऑडिक्शन थैंक यू प्राइमरी ऑडिशन पास कर पाए हैं या नहीं, प्लीज बताइए। राजीव, आपकी जो ऑनेस्टी है
मतलब जिस तरह से आपने पूरे एक्ट को पकड़ रहा, मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि आफ्टर अ पॉइंट थोड़ा सा डिप खाने लगा था, जब उसको एक हाई पॉइंट पे जाना चाहिए था। मार्क्स थोड़े से ज़्यादा दूंगा आपकी ईमानदारी के लिए, आपकी ऑनेस्टी के लिए जो मुझे दिखाई। अर्चना, मुझे लगा थोड़ा सा जैसे कि मे बी अ कपल ऑफ प्लेसेस हल्का सा भूल हुई या टाइमिंग में गड़बड़ हुई, मे बी थोड़ी रिहर्सल ज़्यादा चाहिए थी इसके लिए, बट अदरवाइज इट वॉज अ नाइस एक्ट, बट आई विश ऑन अ ग्रैंड फिनाले के ओकेजन समथिंग इवन बेटर कुड हैव बीन डन, बट राजू यू आर वेरी 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 गुड। जग्गू दादा, क्या इस सीक्रेट हीरोइन को काम मिलेगा हमारी फिल्म्स में? दोनों बोलूंगा। बड़ू देख, बोलने का मतलब यह है कि मैं कोई कॉमेडी वामेडी, मैं बादशाह बादशाह कुछ नहीं, मैं टपोरी, मेरा कुछ मालूम नहीं पड़ता। मेरे को आशा आया, मेरे को बहुत मजा आया, मेरे को रियली बहुत मजा आया। बड़ू तू बहुत भारी है। चलिए रोहित, कितने नंबर देंगे आप इन्हें? राजीव, आई कुड हैव गिवन यू मच बेटर, बट फिनाले है तो आई गिव यू एन 8 पॉइंट। अर्चना, राजीव, यू आर अ स्टुपेंडस टैलेंट एंड वेरी डेडिकेटेड, वेरी हार्ड वर्किंग और बहुत ही सिंसियर है, तो फॉर दैट आई वुड लाइक टू गिव 1 mark एक्स्ट्रा जस्ट फॉर यू, पर अदरवाइज इट्स एन 8+1 9 पॉइंट्स। आपका टोटल होता है 17 पॉइंट्स। जोरदार तालियां हमारी इस सीक्री के लिए। वेल डन गाइस। यहां इतनी दूर आकर एक तिखरी लौट जाएगी, यानी अब वक्त आ गया है एलिमिनेशन का। जजेस और ऑडियंस ने तय किया है कि आज की दो लो स्कोरिंग तिखरियां हैं रश्मि, विक्रांत, राजीव आप, और दूसरी है शरद, परेश, भारती आप। मैं आप दोनों तिकड़ियों से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज यहां पे आ जाएं। रश्मि, विक्रांत, राजीव, आपको अर्चना ने दिए 9 पॉइंट्स, आपको रोहित ने दिए 8 नंबर, शरद, भारती और परेश, आपको अर्चना ने दिए 9 पॉइंट्स, आपको रोहित ने दिए 9 पॉइंट्स, और आपको हमारी स्टूडियो ऑडियंस ने दिए 9 पॉइंट्स। इससे शरद, भारती और परेश आपका टोटल होता है 27 पॉइंट्स। अब देखना यह है कि क्या हमारे स्टूडियो ऑडियंस ने रश्मि, विक्रांत और राजीव को ज्यादा नंबर दिए और उन्हें आगे पहुंचा दिया, या फिर रश्मि, विक्रांत और राजीव आपको हमारी स्टूडियो ऑडियंस ने दिए 9 पॉइंट्स। अफसोस, आप 8 पॉइंट से पीछे रह गए। आपका टोटल होता है 26 पॉइंट्स। शरद, भारती और परेश आप आगे जाएंगे। कंग्रेचुलेशंस, आप लोग जाके अपने सीट ले सकते हैं। और जोरदार तालियां बजाइए हमारे 3 महा